प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या है और हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में थ्रू आउट दिस सेमेस्टर क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं एंड व्हाट दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट। ओके, सो दैट वाज द प्रीवियस डिस्कशन। आज हवा मरना चल रही है, चले कहा चल ठीक है। तो सीपीयू आर्किटेक्चर इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो सीपीयू के बारे में थोड़ा बहुत हम पहले से भी जानते हैं। तो सीपीयू मेनली हमारा जो है वो कंप्यूटर का वो हार्डवेयर यूनिट है जो एक साथ बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करता है, यानी डेटा प्रोसेसिंग का जो टास्क है उसको सीपीयू परफॉर्म करता है। और जब हमारा कंप्यूटर रन होता है तो सॉफ्टवेयर उस पर रन होते हैं। कंप्यूटर रन होने का मतलब सॉफ्टवेयर इज रनिंग और एक्चुअली मैनी सॉफ्टवेयर्स आर रनिंग एट द सेम टाइम। तो जो भी सॉफ्टवेयर रन होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा प्रोसेसिंग सीपीयू द्वारा होता है। सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में रिजाइड होता है। कोई भी प्रोग्राम हो, सॉफ्टवेयर हो, जो सिस्टम में एट प्रेजेंट वर्क कर रहा है, चल रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं वो मेन मेमोरी में रिजाइड करता है। मेन मेमोरी में रैम में हो सकता है या रोम में हो सकता है। तो रोम में परमानेंट प्रोग्राम होते हैं, वो भी जब रन करेंगे तो उनका डेटा सीपीयू के थ्रू जाके और फिर मेमोरी से इंटरेक्ट होगा। और इसका डिटेल हम बाद में किसी लेक्चर में, बाद में आएगा ही हमारा सीपीयू एग्जीक्यूशन साइकिल, उसको हम डिटेल में समझेंगे कि मेमोरी से सीपीयू में डेटा कैसे पहुंचता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेस कैसे होता है और सीपीयू के अंदर प्रोसेस होने के बाद में प्रोसेस डेटा फिर मेमोरी में जाता है, मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से कंप्यूटर के अदर प्लेसेस पर जाता है। सो दैट इज द कंप्लीट साइकिल जो भी हम डिस्कस करेंगे सीपीयू एग्जीक्यूशन साइकिल चैप्टर में आगे, ठीक है। बट इन दिस लेक्चर लेट्स डिस्कस व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ द सीपीयू एंड लिटिल बिट इंटर कॉन्फिगरेशन ऑफ द सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सीपीयू कंप्यूटर का वो पार्ट है जो एक साथ हमारा डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। सीपीयू और प्रोसेसर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, माइक्रो प्रोसेसर एंड सीपीयू, ठीक है। तो एज टाइम बीइंग वी विल डिस्कस इट सो दैट आइडिया विल बी क्लियर टू यू। एक तरह से हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि सीपीयू हमारा कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का हार्ट एंड सोल है या फिर ब्रेन जो कि डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमारा ब्रेन है तो सारी एक्टिविटीज ब्रेन से ही होती हैं। अगर हमारा ब्रेन डेड है दैट मींस कि हमें कोई फीलिंग, कोई कुछ, हमारी बॉडी की एक्टिविटी कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रीवियस क्लास में मैंने मशीन इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था तुम लोगों को, मतलब लो लेवल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग टाइप के कोड जनरेट हो सकते हैं। और मशीन इंस्ट्रक्शन यानी सिंपली जो हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो इस लेक्चर में अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ओके, वेट फॉर लिटिल, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर दोनों थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में।
और सीपीयू को हम ब्रेन या सोल या हार्ट की बोल सकते हैं रफली लैंग्वेज में। तो डिस्कस करते हैं कि सीपीयू का क्या मीनिंग है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि नाम से क्लियर है। तो सीपीयू के कई टास्क होते हैं। पहला जो है वो तो एक्टिवेट और कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को, सारे यूनिट को कंप्यूटर के, सिग्नल इंस्ट्रक्शन और डेटा को यूज करते हैं। और सीपीयू के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैं बताऊंगा बाद में। कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड इंटरनल मेमोरी। कंट्रोल यूनिट डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और एक्टिवेट करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है, क्योंकि सीपीयू का वन ऑफ द पार्ट है कंट्रोल यूनिट। दूसरा जो एएलयू है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो इनबिल्ट कैलकुलेटर है एक तरह से कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल, जहां भी डेटा इन्वॉल्व होगा कैलकुलेशंस कंपैरिजन के लिए, वो एएलयू पर काम करेगा। तो जो आर्किटेक्चर है सीपीयू की, वो डिजाइनर टू डिजाइनर वेरी होती है। और इनफैक्ट वो तो सिंपल लॉजिक ये भी है कि कोई भी मशीनरी हो, जैसे तुम बाइक यूज करते हो, सपोज बजाज की यूज करते हो, हीरो होंडा की यूज करते हो, मतलब हीरो की या होंडा की या किसी और कंपनी की, तो मेन फंक्शन तो जनरली वही है, गियर है और एक्सीलेटर है और व्हील्स हैं, बट जो आर्किटेक्चर है दैट मे वेरी। एंड सेम इज द केस ओवर हियर कि जो सीपीयू है उसका आर्किटेक्चर वेरी करता है। इट्स आल्सो ए मशीन सीपीयू, कंप्लीट कंप्यूटर की जो मशीनरी है, फंक्शनिंग बॉडी है या कंट्रोलिंग बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, दैट इज द सीपीयू। तो इट वैरीज फ्रॉम डिजाइनर टू डिजाइनर। अब सीपीयू एंड इंस्ट्रक्शन सेट, तो जो भी सीपीयू है जिस भी कंपनी के, तो हर एक सीपीयू के अपने अलग इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, अब कंप्यूटर को कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट मिलना है सीपीयू को, वो डिसाइड करता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जो भी हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर उसको कंपाइल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लो लेवल कोड में, जो कि मशीन कोड होते हैं, और कॉम्बिनेशन उस लो लेवल कोड का कॉम्बिनेशन मेन मेमोरी में, रैम में रिजाइड करता है, जिसको सीपीयू रीड करता है वो, और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमारा सीपीयू यानी कंप्यूटर वर्क करता है। तो अदर डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि मशीन इंस्ट्रक्शंस कैसे सीपीयू के अंदर आते हैं, कैसे मेमोरी से इंटरेक्ट होते हैं। अब इंटेल P4 प्रोसेसर की इस तरह देखा होगा तुम लोगों ने कि जो कंप्यूटर कैबिनेट होता है उसको अगर ओपन करके देखोगे, तो वो उसमें एक चिप लगी रहती है चौकोर कलर की, फैन के नीचे फैन होता है, फैन के नीचे चिप होती है, और उसमें जो इंटेल P4 या फिर पेंटियम, इंटेल का पेंटियम सीरीज के प्रोसेसर आते हैं मोस्टली, ठीक है, कोर टू ड्यू, ड्यूअल कोर, ऑक्टा कोर, i3, i5, i7 लेटेस्ट जो है, तो इस तरह की सीरीज प्रोसेसर की चलती आ रही है हमारी। एएमडी एथलॉन कंपनी है, उसके प्रोसेसर्स की फोटो देख सकते हो, दैट लुक्स लाइक दिस, एएमडी एथलॉन। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सी इट। और ये सीपीयू चिप है, अगर इसको गौर से देखोगे तो इसके चारों तरफ पिन्स निकले होते हैं, और ये सारे पिन
मदरबोर्ड में फिक्स हो जाते हैं, मदरबोर्ड में इनके लिए स्लॉट होता है, तो उन स्लॉट से मदरबोर्ड के अंदर इंटरनल कनेक्शंस होते हैं। कोई कनेक्शन रैम में जा रहा है, कोई रोम में जा रहा है, कोई मतलब रैम में तो ये क्या है, कुछ एक लाइंस जाती हैं, और जो इंटर कनेक्शन होते हैं, जो अंदर एक ग्रीन कलर की लाइन बनी होती है जिनको हम बसेस बोलते हैं, वो देखा भी होगा तुमने, तो उन लाइंस के थ्रू हमारा डेटा और सिग्नल कम्युनिकेट होता है। अब जो हम कहते हैं कि डेटा प्रोसेस हो रहा है, जा रहा है, या इंस्ट्रक्शन जा रहा है, तो सब कुछ बाइनरी जीरो वन में ही होता है, एंड दैट विल वर्क लाइक ए सिग्नल, सिग्नल में कन्वर्ट होके फिर सीपीयू से मेमोरी को कम्युनिकेट होता है, क्योंकि सीपीयू और मेन मेमोरी दोनों ही प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। सीपीयू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कुछ नहीं है, इसी तरह रैम के अंदर भी, जबकि हार्ड डिस्क में हमारा व्हील्स है, स्पिंडल है, मतलब दिस इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इसी तरह सीडी ड्राइव है हमारी, वो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, फ्लॉपी ड्राइव है, तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई, दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। तो सीपीयू टेक्नोलॉजिकल ईरा, ईरा मतलब के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमारा, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती है, कोई भी मशीनरी हो या फंक्शनलिटी हो मशीनरी की, वो चेंज होती है ऑलवेज, यू हैव सीन इट ऑल्सो, चाहे मोबाइल टेक्नोलॉजी हो या टीवी हो, कोई भी, वो तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और उसमें मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो जो सबसे पहले सीपीयू थे, जो सबसे पहले कंप्यूटर्स बनते थे, वो कमरे के आकार के होते थे, और उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, तो वो लार्ज स्पेस, ज्यादा स्पेस लेता था। और ये तुमने इस टीवी भी देखी है पहले वाली, पहले जो टीवी आती थी वो बॉक्स टाइप की आती थी, उसमें सीआरओ होता था, कैथोड रे ट्यूब, तो दैट वाज टेकिंग ए लॉट ऑफ स्पेस। टीवी जो देखा होगा, अब फ्लैट टीवी आ रहे हैं सारे, अब वो ऑब्सोलीट हो गए, जो ट्यूब वाले टीवी थे पहले वाले, ठीक है। तो टाइम टू टाइम सीपीयू स्टार्टेड टू श्रिंक इन साइज, मतलब कि यही है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सीपीयू या कंप्यूटर्स साइज में छोटे होते गए, कॉम्पैक्ट होते गए, और मोस्टली चीजों में है ऐसा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर्स बनाए गए, ट्रांजिस्टर्स का आगमन हुआ, तो ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब सीआरओ को रिप्लेस करके बहुत छोटी साइज में आ गया, तो कंप्यूटर के साइज काफी रिड्यूस हो गए। ट्रांजिस्टर्स के बाद वीएलएसआई टेक्नोलॉजी आई, चिप टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, वो फर्दर सब कुछ चिप के फॉर्म में आ गया, जो ट्रांजिस्टर्स के थ्रू होता था मोस्टली। जो नए प्रोसेसर्स हैं उसमें आईसी सब में यूज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। और चाहे आज कोई भी तुम ये डिवाइस देख लो, कोई भी होम अप्लायंसेस, तो उसमें आईसी ब्लैक कलर की चिप जो देखी होगी, बोथ साइड पिन होते हैं, दैट आईसी इज यूज, तो दैट आईसी रिड्यूसेस रिड्यूस मोस्ट ऑफ द साइज ऑफ द डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के लिए भी यही है, तो जो बहुत बड़े रूम के आकार के कंप्यूटर होते थे, आज के टाइम में हम लैपटॉप या पाम टॉप या मोबाइल भी हमारा कंप्यूटर ही है। तो जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, तो अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, वो मोस्टली क्या है, लेटेस्ट प्रोसेसर्स के लिए ही होगा, और ये किसी भी मशीनरी में है कि जो पार्ट्स हैं उसकी फंक्शनैलिटी है, वो लेटेस्ट मशीनरी के हिसाब से ही वर्क होता है। तो अब आज के टाइम में अगर ओल्डर प्रोसेसर हम यूज करें, ज्यादा ओल्डर, तो सॉफ्टवेयर में नॉट बी कंपेटेबल। तो ट्रेडिशनली जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर होते थे, ठीक है, तो सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर ये है कि पहले बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर चिप, माइक्रो प्रोसेसर से मतलब चिप से था, जो आज हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप, तो वो चिप, तो यानी जब चिप टेक्नोलॉजी आई, बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर चिप,
मिलके एक सीपीयू बनाते थे पहले के टाइम में। उसके बाद नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स रिड्यूस होते गए सीपीयू डिजाइन करने में। पहले सपोज करो 10 माइक्रो प्रोसेसर चिप से मिलके एक सीपीयू बनता था, फिर कुछ टाइम बाद 4 से बनने लगा, फिर 2 से बनने लगा, फिर बाद में ऐसा टाइम आया कि एक माइक्रो प्रोसेसर चिप से एक सीपीयू, मतलब एक जो सीपीयू चिप थी वो एज ए माइक्रो प्रोसेसर और एज ए सीपीयू बोथ वर्क करती थी। ठीक है, तो अब उसके बाद P4 तक ऐसा टाइम था। P4 के बाद डुअल कोर प्रोसेसर आया। उसका मतलब ये था कि एक माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर एक से ज्यादा लॉजिकल प्रोसेसर सीपीयू। पहले ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर चिप से एक सीपीयू बनता था। P4 तक इंटेल की अगर हम बात करें तो P4 तक एक माइक्रो प्रोसेसर चिप से एक सीपीयू डिजाइन होने लगा। उसके बाद जब डुअल कोर आया, दैट मींस कि एक माइक्रो प्रोसेसर चिप से दो लॉजिकल सीपीयू। ऑक्टा कोर प्रोसेसर आया, वन माइक्रो प्रोसेसर चिप डिक्टेटिंग फोर लॉजिकल प्रोसेसर। ऑक्टा कोर तो मीन्स 8 हो गया ना, डुअल कोर हो गया क्वाड कोर की बात करता हूँ। ठीक है, डुअल कोर मीन्स 2, क्वाड कोर मीन्स 4, ऑक्टा कोर मीन्स 8। और इस तरह ये टेक्नोलॉजी आज बढ़ते बढ़ते, अगर हम इंटेल की बात करें तो i3 और i5 बिल्कुल कॉमन प्रोसेसर्स हैं आज के टाइम में। तो जो सेवरल सीपीयूज हैं, एक से ज्यादा सीपीयू एक चिप में, वो अब पैरेलल में वर्क करते हैं। अब पैरेलल प्रोसेसिंग हमें पढ़नी है लास्ट में, तो लेटर वी विल सी इट। तो जो मैंने बताया इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, तो आईसी बेसिकली वीएलएसआई से रिलेटेड है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब जो सीपीयू है वो वीएलएसआई ही है एक तरह से, कि जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, बहुत सारे पिन्स हैं, बहुत सारी फंक्शनलिटी इंटरकनेक्शंस हैं। तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो गया वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। जो सीपीयू है हमारा वो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से ही। अब माइक्रो प्रोसेसर कैपेबिलिटी, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता ही चुका हूँ मैं अभी। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि एक मतलब के प्रोसेसर प्रोसेसर दैट यूनिट विच कैन प्रोसेस द डेटा। तो जो मैंने अभी बताया कि 4 और 8 सीपीयू इनसाइड इट, ये क्वाड कोर ऑक्टा कोर इसी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। 12 कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर्स की। तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर, फिजिकल प्रोसेसर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग में यूज होने वाले कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सारे ऐसे कंप्यूटर हैं जिसमें एक से ज्यादा माइक्रोप्रोसेसर यूज होता है। और बहुत सारे अलग अलग आर्किटेक्चर के सिस्टम आते हैं, जैसे वेक्टर प्रोसेसर, एरे प्रोसेसर, पैरेलल प्रोसेसर, पैरेलल कंप्यूटर्स। ये सब कंप्यूटर एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हमारे यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे टास्क पैरेलल में परफॉर्म होते हैं और एक सीपीयू एक टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो जिन सिस्टम में एक ही प्रोसेसर होता है उनको बोलते हैं सीरियल प्रोसेसर्स, और या फिर स्केलर प्रोसेसर्स, जो कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग में डिस्कस करेंगे इनको। तो अब प्रोसेसर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं,
क्लॉक स्पीड, बस स्पीड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, कैश मेमोरी, एक्सटर्नल एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड से मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में लिख के आती है, जिस पे लिखा होता है 3 GHz प्रोसेसर, 2 GHz प्रोसेसर, तो उससे मतलब होता है फ्रीक्वेंसी से, जो कि इससे रिलेटेड होता है कि पर सेकेंड सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर 3 GHz की फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ कि अगर पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकेंड इतने इंस्ट्रक्शन सीपीयू प्रोसेस करता सकता है, गीगाहर्ट्ज। तो गीगाहर्ट्ज यहाँ 10^9 में मेजर किया जाता है, मेगाहर्ट्ज 10^6। इसी तरह बस स्पीड है, बस स्पीड मींस के जो सीपीयू की इंटरकनेक्शन लाइन से उनकी कैपेबिलिटी क्या है, हाउ फास्ट दे कैन प्रोसेस द डेटा। बस स्पीड का मतलब ऐसे मानो जैसे पाइपलाइन से कोई टैंक है, पाइपलाइन पीछे होंगे, तो पाइपलाइन की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करेगा ना कि पानी कितना तेज फ्लो होगा, कितना एक बार में जाएगा। तो बस स्पीड, बस की बात अभी हम करेंगे बाद में, कि डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। तो बस कुछ नहीं, इंटरकनेक्टिंग लाइन्स हैं, आपस में सीपीयू से या किसी भी दो यूनिट की इंटरकनेक्टिंग लाइन्स। तो वो कई फॉर्म में होते हैं, कुछ डिवाइसेस में जैसे अगर तुम देखो तो हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड में जो बसेस होती है वो रिबन के फॉर्म में होती है, रिबन हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड में फिक्स होता है और उसी के थ्रू डेटा सिग्नल्स फ्लो होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर देखोगे अगर इंटरकनेक्शन, तो देखोगे अलग अलग तरह के बसेस हैं, मेमोरी से मेमोरी तो फिक्स होती है, कुछ डिवाइसेस में प्रिंटर्स में रिबन के टाइप में वो जाते हैं बसेस जो इंटरकनेक्ट करते हैं दोनों डिवाइसेस को। मदरबोर्ड के अंदर तो वो प्रिंटेड सर्किट के फॉर्म में होती है, लेकिन मदरबोर्ड में जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो रिबन के फॉर्म में बसेस होती है। ठीक है, उनसे डेटा, एड्रेस और सिग्नल ये फ्लो होते हैं। फिर कैश मेमोरी और एक्सटर्नल एड्रेस मेमोरी की बात हम बाद में करेंगे। अब मॉडर्न सीपीयू है, तो यू कैन सी दिस डायग्राम, ये सीपीयू चिप है, इसके ऊपर फैन लगता है। अब इधर देखो एरो दिख रहे हैं तुम लोगों को, तो यू कैन सी इट प्रॉपरली, आई थिंक यू विल बी एबल टू सी इट। यहाँ पर ALU है, ये यहाँ पर FPU है। FPU मीन्स के वो ALU का ही पार्ट होता था पहले के सिस्टम में, बट आज के टाइम में फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट के डेटा की प्रोसेसिंग अलग से करने के लिए एक यूनिट होता है। फिर यहाँ कैश मेमोरी है, लिखा है L1 कैश मेमोरी, यहाँ ये L1 कैश मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी वगैरह क्या होती है। और ये हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यूनिट है, यहाँ जो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए कंट्रोलिंग चिप है, यहाँ पे सीपीयू के अंदर। ये जरूरी नहीं सभी चीज सीपीयू में हो या ना हो, वो भी हम इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट पढ़ेंगे लास्ट में, तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये L1 कैश, L2 कैश, एक सेकंड, हाँ तो ये डायग्राम आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि सीपीयू कैसे दिखता है, हाउ डिफरेंट पार्ट्स आर लोकेटेड। यहाँ ये कंट्रोल यूनिट है,
और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूनिट है, रजिस्टर्स हैं। सीपीयू के जो मेन थ्री पार्ट्स हैं वो हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इन द सेंस कि जिसमें रजिस्टर्स और कैश मेमोरी दोनों मिला के इंटरनल मेमोरी सीपीयू की। तो जो सीपीयू के सबसे पास में कैश मेमोरी होती है उसको एल1 कैश बोलते हैं, और जो थोड़ा सा दूर है, इन यूनिट से दूर है, तो वो L2 कैश है। L1 कैश मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है, L2 की ज्यादा होती है। सीपीयू के कंपोनेंट्स मैं अभी बता ही चुका हूँ तुम लोगों को, ठीक है? कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स हम सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कितने रजिस्टर्स होते हैं और किस किस टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है? और इंटरनल मेमोरी है सीपीयू की, उसमें कैश मेमोरी और रजिस्टर दोनों ही आते हैं। फिर इनपुट आउटपुट इंटरफेस सर्किटरी होती है, मेमोरी इंटरफेस सर्किटरी। मतलब यह है कि सीपीयू के अंदर इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट होने के लिए एक इंटरफेस सर्किट होता है, और मेमोरी मेन मेमोरी से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि सीपीयू मेन मेमोरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है केबल। एएलयू की अगर हम बात करें, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की, तो ये कंप्यूटेशनल टास्क के लिए होता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनबिल्ट कैलकुलेटर है कंप्यूटर के लिए, ठीक है? जो कि अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, लॉजिकल कंपैरिजंस, इन ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है जो कि कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द डिफरेंट सिग्नल्स फॉर डिफरेंट यूनिट्स इनसाइड द सीपीयू। अब जो एफपीयू यूनिट था उसमें, तो एक तरह से पार्शियल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो कि एएलयू परफॉर्म नहीं करता है, जैसे फंक्शनल पॉइंट, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस जो डेसिमल में होंगे या एक्सपोनेंशियल होंगे या हमारे लॉन्ग कैलकुलेशंस होंगे। फिर कंट्रोल यूनिट है तो इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स वेरियस ऑपरेशंस। ये सभी फंक्शनिंग को, सभी डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर सभी पार्ट्स को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। तो ये इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को भी सुपरवाइज करता है, और एएलयू को यही सिग्नल भेजता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एक तरह से सारे पार्ट्स को ये कंट्रोल यूनिट अपनी तरफ से सिग्नल भेजता है, तो उन्हीं सिग्नल के थ्रू डेटा, इंफॉर्मेशन, एड्रेसेस सब फ्लो होते हैं। उसके बाद है हमारा जो तीसरा पार्ट है सीपीयू का, वो है इंटरनल मेमोरी, जिसमें रजिस्टर्स और कैश मेमोरी दोनों आते हैं। तो रजिस्टर्स का काम ये होता है कि सीपीयू के अंदर ये डेटा, रिजल्ट, एड्रेस स्टोर करता है सीपीयू के अंदर। एक तरह से टेम्परेरी वेरिएबल की तरह वर्क करता है। मेन मेमोरी से जो भी डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के अंदर आएगा, वो सारा सब कंटेंट्स, इंफॉर्मेशन डिफरेंट रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है सीपीयू पे। सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर वैल्यू, डेटा, एड्रेस, ये सारा स्टोर होता है। तो बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के अंदर, जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। तो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है। तो डिटेल में जब हम आएंगे रजिस्टर पर तब डिस्कस करेंगे। और लास्ट स्लाइड है जिसमें बस मैनेजमेंट यूनिट, या एक तरह से कह सकते हैं इनपुट आउटपुट यूनिट। तो जो इंफॉर्मेशन डेटा इनपुट आउटपुट से हमारा फ्लो होता है, रैम से सीपीयू में जो आएगा, तो ये उसके लिए इंटरफेस यूनिट की तरह काम करता है। जो बसेस मैंने बताए थे, बसेस, तो बसेस क्या है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस
इंटरकनेक्शन ऑपरेशन के लिए डेटा फ्लो या जो भी फ्लो होना है सिग्नल, उन सिग्नल्स को फ्लो होने के लिए एक बस मैनेजमेंट यूनिट होता है। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, और अगर किसी का कोई डाउट हो तो ही और सी कैन आस्क। कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, यू कैन आस्क राइट नाउ और एल्स आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग। अटेंडेंस अपनी थर्ड ईयर के ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, सो दैट इट विल बी अवेलेबल टू यू।